लीनेज ओएस का ऑफिशियल बिल्ड जिसे फिलहाल मैं कुछ टाइम से ही यूज कर रहा हूँ, और इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ इसके बारे में कि क्या कुछ हुआ है, इम्प्रूवमेंट क्या है, स्टेबिलिटी, और अगर आप इसे डेली लाइफ में यूज करना चाहते हो तो क्या कुछ आपको जो फेस करने को मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। के और आप बात कर रहे हो टेक ऑफिस रोड। आज हम बात करने वाले हैं इस लीनेज ओएस के ऑफिशियल बिल्ड के बारे में, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स रोज कमेंट कर रहे थे हर रिव्यू के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कि भाई आप लीनेज ओएस का रिव्यू आके कर क्यों नहीं रहे हो, इसका रोज अपडेट आता है, नेटली बिल्ड ऑफिशियल कब का मिल चुका है, आपने बस फर्स्ट अपडेट का रिव्यू किया था, उसका कोई भी रिव्यू प्रोवाइड नहीं किया है, ऐसा क्यों है, रिव्यू करो। तो चलो गाइस आपके सामने मैं आ गया और मैं आपको बताऊंगा कि मैं इतने टाइम से इसका रिव्यू क्यों नहीं कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंड्रॉयड वर्जन आपको 9 देखने को मिलता है। लीनेज ओएस का जो वर्जन है 16.0.2021.7 जी हाँ, क्योंकि एवरी नाइट में इसका एक अपडेट आता है, तो इसके पहले वाले नाइट का मैं अपडेट यूज कर रहा हूँ। मे बी आप जब तक इस वीडियो को वॉच करोगे इसका नेक्स्ट अपडेट आ चुका होगा, लेकिन क्या यूज करना चाहिए आपको, हर रोज अपडेट करना चाहिए या फिर कभी कभी अपडेट करना चाहिए, फिर मैं जो वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ बिल्ड नंबर का वही आपको यूज करना चाहिए, सब डिटेल मिलेगा। ठीक है, अभी फिलहाल मैं यहाँ पे अंडरग्राउंड करने वाले जो फ्लैश कर रखा हूँ, ठीक है, अगर आप चाहो तो इसका डिफॉल्ट वाला भी यूज कर सकते हो। दोनों में क्या क्या डिफरेंसेज है मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। 7 जनवरी का ये बिल्ड डेट आपको देखने को मिलता है। बैक की ओर चलते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है सिस्टम, जहाँ पे मिल जाएगा इसका अपडेट। तो वन डे कंप्लीट होते हैं आपको यहाँ पे अपडेट शो होने लग जाएगा लेटेस्ट का, ये लो आ गया अपडेट। जी हाँ, तो 7 का है और एक और अपडेट यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि इसका एवरीडे अपडेट आते रहता है। मल्टी यूजर्स अकाउंट आपको जो देखने को मिल जाता है, यहाँ पे जेस्चर्स वगैरह देखने को मिलते हैं जो कि हमें लीनेज ओएस प्रोवाइड करता है, प्रोफाइल्स और बटन के कस्टमाइजेशन वगैरह देखने को मिलते हैं जो कि सिमिलर है जो मैंने आपको फर्स्ट बिल्ड में बता दिया था। यहाँ की ओर आते हैं तो फिंगरप्रिंट मैंने जो फर्स्ट बिल्ड में कहा था कि भाई रिस्पांस अच्छा नहीं है, इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो यहाँ पे इम्प्रूव हो गया है। जी हाँ, तो फिर बिल्कुल ही बाकी अदर रोम्स के मुकाबले जब कंपेयर करें तो इक्वल देखने को मिलता है। तो जो फर्स्ट टाइम फर्स्ट ऑफिशियल बिल्ड में प्रॉब्लम था फिंगरप्रिंट के रिस्पांस को लेकर, उसे जो फिक्स किया गया है तो आपको काफी अच्छा सा रिस्पांस देखने को मिल जाता है फिंगरप्रिंट से रिलेटेड। तो फिंगरप्रिंट में आपको कोई भी कमी वगैरह जो फील नहीं होगा, साथ ही साथ आपका जो फेस अनलॉकिंग ये भी आपको काफी अच्छे तरीके से जो वर्किंग मिलता है, जिनमें कोई भी इशू नहीं आती है, तो फेस अनलॉक भी आप यूज कर पाओगे। एमआई साउंड इनहेंसर ना अभी तक ऐड हुआ है ना ही आगे आने वाले फ्यूचर में ऐड होगा, क्योंकि ऑफिशियल बिल्ड में ये से रिस्ट्रिक्शन है। डिस्प्ले के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है अडेप्टेड ब्राइटनेस, कलर्स वगैरह कर सकते हो, ऑटोमेटिक रख सकते हो वॉलपेपर के अनुसार, क्योंकि मैं वॉलपेपर थोड़ा डार्क टाइप का यूज कर रहा हूँ जिसकी वजह से डार्क चला गया है। अगर आपको लाइट पसंद है तो आप लाइट मैनुअली कर लो और वॉलपेपर को डार्क रहने दो, या फिर आप जो ऑटो भी रख सकते हो, कलर वगैरह भी आपका वर्किंग है। नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पे मिलता है एम्बिएंट डिस्प्ले, जहाँ पे अभी तक इनके आइकन ऐड नहीं किए गए। फर्स्ट में मैंने कहा था कि इन फ्यूचर ऐड कर दिया जाएगा, बट यहाँ तक अभी तक ऐड नहीं हुआ है, जब से मे बी 15 बिल्ड आ चुके होंगे इसके, यानी अपडेट। उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो वही सारे कॉमन वाला को फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। बैटरी की डिटेल की बात करें तो यार बैटरी मुझे कुछ खास लगी नहीं है, आप देख सकते हो 3 आवर्स पहले मैंने फ्लैश किया था और करीब 98 के आसपास बैटरी डिटेल थी, और यहाँ पे 67% है जो आ चुका है, तो बैटरी में कहूँगा भाई उतना ज़्यादा बेटर नहीं है। हाँ, लेकिन एक और प्लस पॉइंट मिलता है इसके अंदर, वो है आपका परफॉर्मेंस का प्रोफाइल। जैसे कि पहले हमें सीआर ड्रॉइड का रोम प्रोवाइड करता था, तो आपको नॉर्मली यूज करना है तो आप जो इस पे डाल दो, बैटरी ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ पे सेविंग पे डाल दो, आपको गेमिंग से मतलब है तो आप परफॉर्मेंस पे डाल के यूज कर सकते हो। तो हर के ऊपर आपको अलग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, यहाँ पे बैलेंस है, यहाँ पे गेमिंग के लिए बूस्ट हो जाएगा, यहाँ पे सभी को सेव करने के लिए बैटरी सेवर पे डालेगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। और जो फर्स्ट बिल्ड मैंने रिव्यू किया था उसमें ये बगी था, काम नहीं करता था, मतलब कोई भी चेंजिंग देखने को नहीं मिलती थी परफॉर्मेंस में, बट ये इम्प्रूव्ड हो चुका है। वाईफाई हॉटस्पॉट ब्लूटूथ वगैरह आप यूज कर सकते हो, कोई भी यहाँ पे चेंजिंग नहीं आई है। रही बात जियो का नेटवर्क फ्लक्चुएशन पे, तो भाई यहाँ पे भी कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिलता है, तो अभी भी जियो का फ्लक्चुएशन होता है। अगर आप जियो यूजर्स हो या फिर एयरटेल, आप ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ पे नेटवर्क हल्का वीक रहता है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा इस लीनेज के ऑफिशियल बिल्ड के अंदर। वहीं पे अनटूटू की बात करें तो ये है अंडरग्राउंड क्रिमिनल का परफॉर्मेंस का मोड पे अनटूटू का स्कोर जो कि 82315 का मिला है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा। लेकिन नेटवर्क फ्लक्चुएशन होने की वजह से और बाकी अदर चीज़ों की वजह से आपको बैटरी ड्रेन देखने को मिलने ही वाली है। जी हाँ, तो आप जो पावर सेविंग मोड में यूज कर सकते हो। बाकी अदर स्क्रीनशॉट की बात करें तो चलते हैं पहले गैलरी के बाद से पहले इस स्क्रीन रिकॉर्डर के ऊपर।
यहाँ पे आपको सिस्टम साउंड यानी इंटरनल साउंड रिकॉर्ड करने का फीचर्स नहीं मिलता है, तो नॉर्मल वाला बेनिफिट मिलता है जैसा कि बाकियों को मिल जाता है। आप यहाँ पे जीकेएम वगैरह यूज कर सकते हो, नो इशूज, माइग्रेट से अपने एप्लीकेशन को रीस्टोर कर सकते हो, नो इशूज। अब आ जाते हैं कुछ एक्स्ट्रा स्क्रीन शॉट के ऊपर, ठीक है, तो मैं आपको लेकर चलता हूँ कुछ स्क्रीन शॉट के ऊपर। तो ये रहा मेरा फर्स्ट बूटअप का, उसके बाद यहाँ पे अगर स्विच करते हैं तो आप देखोगे इसका जो डिफॉल्ट है किरनेल, जो कि प्रिफ का किरनेल यूज किया गया है, जिसमें मैंने बैलेंस पे सेट करके अनट्रू का स्कोर रन किया है तो 77843 का है, जो कि एक नॉर्मल सा है, और इस पर भी आपको बैटरी डिजाइन देखने को मिलती है। जी हाँ, तो डिफॉल्ट वाला भी आपको बैटरी डिजाइन देता है, आप देख सकते हो प्रिफ माइनस का किरनेल यूज किया गया है। उसके बाद मैंने अंडरग्राउंड पे डाला और डिफॉल्ट पे रन किया तो मुझे स्कोर मिला 79563 का, जो कि ओवरऑल कह सकते हो सही है बैलेंस के प्रोफाइल पे। लेकिन वही उसे हम बूस्ट कर देते हैं परफॉर्मेंस के लिए तो हमारा जो 82 का स्कोर चला जाता है, जो कि काफी बेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको काफी अच्छा डिटेल मिलता है, लेकिन बैटिंग के मामले में अभी भी कमी है, नेटवर्क फ्लक्चुएशन के मामले में अभी भी आपको कमियां देखने को मिल जाती है, और कुछ खास बिग चेंज नहीं हुआ है, जिस वजह से मैं इसके हर रिव्यू यानी अपडेट का रिव्यू नहीं प्रोवाइड करता हूँ। रीजन यही है क्योंकि जब तक कुछ खास अच्छा सा रिस्पांस देखने को ना मिले ओएस की तरफ से, बार बार अपडेट देते रहना, वीडियो देते रहना मुझे पसंद नहीं आया। इसलिए फर्स्ट के बाद ये सेकेंड अपडेट है, काफ़ी लंबे अरसे के बाद फिर भी कोई बिग इंप्रूवमेंट दिखाई नहीं दिया है, स्पेशली लेकर नेटवर्क को लेकर और साथ साथ बैटरी बैकअप को लेकर। लेकिन अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से इसे डाउनलोड कर पाओगे और डेली लाइफ में यूज कर पाओगे। ठीक है, सो बाय बाय।